में छपा है। नारायण कंस्ट्रक्शन को किसी और कंपनी ने खरीद लिया है और अब उनके पुराने शेयर्स आसमान छू रहे हैं। ये वही शेयर्स हैं जो 25 साल पहले हमने खरीदे थे। आज इनकी कीमत 20 लाख तक हो सकती है। मम्मी जी, शायद ये वही पेपर्स होने जिनकी आप बात कर रही हैं। मुझे जितने पेपर्स जीजाजी ने दिए थे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगे इसलिए नहीं फेंके। यही है ना शेयर्स के पेपर्स? हाँ, ये वही है। आज इनकी कीमत 20 लाख तक हो सकती है। मम्मी जी, इस पे डेट तो देखो, इसी हफ्ते का है। मतलब लेटेस्ट खबर है। फिर तो हमें आज ही जाना पड़ेगा। शेयर्स के दाम कब गिर जाए पता नहीं चलता। सचमुच लक्ष्मी माँ ने चमत्कार कर दिया। माँ, आपने अपने भक्त सविता को किस व्यक्ति का चुनाव करने के लिए बोला है? वो कौन है जो उनके समस्याओं का निवारण करेगा? ये देख रहे हो वत्स, ये विद्या लक्ष्मी है। इसके गुण सविता की बहू श्रेया में विद्यमान है और सविता पे वीर लक्ष्मी की कृपा है। जब इन दो लक्ष्मी रूपों का आपस में समन्वय होगा तभी इनके घर में सौभाग्य एवं समृद्धि का आगमन होगा। तो वह व्यक्ति उनकी बहू श्रेया है? देखिए गोपाल जी, आप मुझे अभी 15 लाख रुपए दे दीजिए, मैं दुकान छुड़वा के आपके पास गिरवी रख देता हूँ। पर ये काम आज के आज तो नहीं होगा ना लाला जी। मतलब ये कि 15 लाख रुपए तो आज ले जाएंगे आप हमसे, दुकान के कागज तो मुझे मिलेंगे नहीं। दुकान छूटने में, कागजी कार्रवाई होने में 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे। 50 साल से मैं इस मार्केट में हूँ, उससे पहले बाबूजी थे। इतने सालों के नाम के बदले आप 15-20 दिन का भरोसा नहीं रख सकते मुझ पे? अगर आपके बाबूजी जुबान दे रहे होते तो मैं सवाल ही नहीं करता, उनकी तो बात ही कुछ और थी। पर आपके भरोसे इतनी बड़ी रकम मैं नहीं अटका सकता। मैंने आपको दोस्त समझा था इसलिए आपके पास आया, पर आप भी औरों की तरह निकले, बुरे वक्त में हाथ ही खींच लिया। माफ करना लाला जी, पूरे मार्केट में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो आपको 1 रुपया उधार दे दे। ये इमेज है आपके और आपके परिवार की इस वक्त। गोपाल जी, खबरदार जो परिवार के बारे में कुछ कहा तो समझे। वाह लाला जी वाह, आजकल तो सह परिवार गुंडागर्दी पे उतर आए आप लोग। लाला जी, मुझसे झगड़ा बाद में करना, पहले अपनी दुकान छुड़वाओ। वो तो अब छूटने से रही गोपाल जी, आज तो इनकी दुकान परमानेंटली बंद करा के ही जाएंगे। और दुकान ही क्या, अब तो आपके हाथ से घर भी जाएगा लाला जी, क्योंकि आपको 24 घंटे का टाइम दिया था और वो अब पूरा हो चुका है। अब क्या करोगे? रुकिए, मैं बताती हूँ क्या करेंगे। पूरा पैसा आपके मुंह पे मारेंगे और आपके साथ साथ पूरी दुनिया का भी मुंह बंद कर देंगे। लीजिए, और ये लीजिए ओमकार जी, सारा कर्जा लौटा दिया है जो ओमकार जी से लिया था वो भी, और रूपचंद जी को जो दुकान का बयाना वापस देना था वो भी 24 घंटे के अंदर। अब एक चीज और देनी है आपको वैभव, वो बोर्ड इन्हें पकड़ा देना। ये लीजिए अंकल, घर लेते जाइए।
बहुत हंगामा कर लिया आप सबने, अब जाइए अपना अपना काम कीजिए, हमें दुकान खोलनी है। भाभी जी, वैसे आपकी ये इतनी बड़ी लॉटरी लगी कैसे? क्या कहा था आपने कि क्या लक्ष्मी माँ आके हमें पैसे देंगी? समझ लीजिए, देवलोक से खुद लक्ष्मी माँ आई थी और आप दोनों के नाम के चेक काटे हैं, बस दस्तखत मेरे हैं। लाला जी, इस बार भी इस मुसीबत से भाभी जी ने ही आपको बाहर निकाला, अकेले तो आप इस बार भी कुछ नहीं कर सके। ऊपर बैठे आपके बाबूजी भी क्या सोचते होंगे कि बहू तो लायक निकली पर बेटा। चलिए, आप उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। बात तो ऐसे सही करी है मम्मी, पर एक बात बताओ, इतने सारे पैसे आए कहां से? ये कमाल तो जब तुम पैदा हुए थे तभी हो गया था, 25 साल पहले, जब मम्मी जी और डैडी जी ने नारायण कंस्ट्रक्शन से शेयर्स खरीदे थे। आपको लगा वो कंपनी बंद हो गई है, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर किसी और कंपनी ने उसे खरीद लिया और शेयर्स के दाम अचानक बढ़ गए। तो ये वही कागज थे जो मैंने तुम्हें फाड़ के फेंकने के लिए दिए थे? हाँ, ये सब श्रेया का कमाल। एक काम तो अच्छा किया इसने आज, बहू घर की लक्ष्मी होती है, आज तुमने साबित कर दिया, परिवार को डूबने से बचाया तुमने। आरती की थाली लेके आओ। जी, ये लीजिए मम्मी। लीजिए। अब कोशिश कीजिए। ये भी तुम ही कर लो। आपने तो घर में कदम रखते ही चमत्कार कर दिया, हमारी दुकान बचा ली, मेरे परिवार को संभाला, ऐसी ही कृपा करती रहना, आगे और जंग जीतनी बाकी है। किस्मत की रेखा, तुम जिसको चाहो मां उसका भला, तुम ही इस दुनिया की 64 कला, श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला, तुम ही कमला विमला तुम मंगला। श्रेया, थैंक यू। थैंक्स मत बोलो वैभव, ये मेरा घर भी तो है। अच्छा, हमारी शादी हुई है, थोड़ी पति वाली हरकतें तो करो। चलें। चलो। बहुत खुश हो रहा है ना दोनों, बहुत प्यार आ रहा है। शादी हो गई, दुकान मिल गई, मेरी लाइफ खराब करके इनकी लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए।
पापा तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रीति, क्या करने वाली है तू? माया, ये चाबियां तुम्हारे पास कहां से आई? अब वो मैंने मम्मी जी के कमरे से ली। मुझे ना कुछ जरूरी सामान चाहिए था तो। ये चाबियां सविता के पास रहती हैं। पूछा तुमने उसे? नहीं, आगे से बिना पूछे मत लेना। इसमें पूछने वाली क्या बात है दादी, मैं भी तो इस घर की बहू ही हूं ना। जब मम्मी जी शादी होके आई थी तो ये चाबियां आपने उन्हें सौंप दी थी। अब आपको नहीं लगता कि ये चाबियां मम्मी को मेरे हवाले कर देनी चाहिए? बेटा, ये गुच्छा ना गृहस्थी की निशानी होती है और गृहिणी के हाथों में सौंपा जाता है, और गृहिणी गुणों से बनती है, ना कि सिर्फ सात फेरे लेने से। अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहती हैं कि मुझ में कोई गुण नहीं, मैं तो फालतू हूँ। नहीं, हमारी नजरों में तो तुम्हारा बहुत मोल है, पर तुम्हारी नजरों में किसी का कुछ भी नहीं। ये चाबियों का गुच्छा देख रही हो? इसमें छोटी बड़ी सब तरह की चाबियां हैं, और इसे संभालने वाला ना इसमें कोई फर्क नहीं करता। इसे संभाल कर रखता है एक साथ, जैसे परिवार को रखा जाता है। तुम रख पाओगी तो ले लो। एक दिन में पता चल जाएगा कि सविता इतने सालों से इस घर के लिए क्या क्या कर रही थी। अरे दादी, माया, क्या हुआ? क्या होगा, अब दादी से भी सुन रही हूँ कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। लगता है मेरे चेहरे में भी ना सबको तुम्हारा चेहरा नजर आने लगा है। और दादी, आपका पोता नालायक है, मैं नहीं। तुम्हारी तो कुछ वैल्यू है ही नहीं इस घर में, और तुम्हारे साथ रह रहे के मेरी भी बिगड़ती जा रही है। दुकान बच गई। सच? हाँ अम्मा, सबके पैसे लौटा दिए, रूपचंद के, कर्जदारों के, अब सर पे कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो गया अम्मा। एक बार तूने फिर से इस घर की नैया डूबने से बचा ली बेटा। नहीं अम्मा, ये सब लक्ष्मी माँ ने किया है, उनके आते ही उन्होंने सब ठीक कर दिया। उसके आते ही कहाँ आई माँ लक्ष्मी? मेरा मतलब है, माँ अपने भक्तों के पार लगाती है ना, तो वो जब आती है सब ठीक कर देती है, उन्हीं की कृपा है माँ। रोहित, तूने आज की खुशखबरी सुनी? हमारी दुकान खुल गई बेटा। बहुत अच्छा हो गया। अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तुझे खुशी नहीं हुई? यही तो हम सब चाहते थे ना, इसी के लिए तो पूरा परिवार लड़ रहा था। परिवार जैसा अब कुछ है क्या मम्मी? अरे तुझे क्या हुआ है? आज तक दादी ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला, आज उन्होंने भी मुझे सुना दिया। ना जाने जब से ये रोहित जेल से घर आया है, तब से तो ये घर अपना ही नहीं लगता। और भाभी, और सोचिए ये सब किसके आने के बाद से हो रहा है? श्रेया के। हाँ, पर ना पहले तो आप ही का रुतबा था ना, कैसे सविता आंटी माया बहू करती थी, पर अब देखो जैसे ही नई बहू आई
ले गई सारी लाइमलाइट। ट्रस्ट मी भाभी, ये सब मैं श्रेया से कोई दुश्मनी है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपकी केयर करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। यू नो व्हाट, पहले तो मैं एकदम जल्दी थी, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपके तौर तरीके, वो सब देखकर ही तो मैंने अपने आप को बदला है। आप मेरी रोल मॉडल हो, इसीलिए आज आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब और आपको पता है, आज आपको दुकान पे होना चाहिए था। सविता आंटी कैसे श्रेया पे अपना प्यार बरसा रही थी, और देखिए आखिर में दुकान खुलने का पूरा क्रेडिट कौन लेके गया? उनकी प्यारी बहू श्रेया। वो सिर्फ फेवरेट बहू बनकर ही नहीं रुकने वाली, जिस तरीके के उसके लक्षण है ना, मुझे तो लगता है कि कहीं वो आप लोगों को घर से ही ना निकलवा दे। भाभी इसीलिए बोल रही हूँ, अपनी स्टाइल में आइए, अपना सिक्का जमाइए, और सबसे पहले तो श्रेया को रास्ता दिखाइए। ये तुम क्या बोल रही हो, जैसा भी है मेरा घर है, वैभव देवर है मेरा, मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम रहने दो। अरे भाभी, तो फिर कर लूं बुक कल की मूवी टिकट्स। हाँ डन, परफेक्ट। कॉर्नर सीट? कॉर्नर सीट, अच्छा, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है मिस्टर वेबर, मैं सिर्फ हम दोनों की नहीं सबके लिए टिकट्स कराने की बात कर रही हूँ, सब तो साथ में जाएंगे ना। ठीक है। अच्छा वैभव, तुम्हारा इंटरव्यू का क्या हुआ? कौन सा इंटरव्यू? कौन सा मतलब, जो होना था ना आज, तुम गए नहीं देने, उनका कॉल आया था जब तुम सो रहे थे, तो मैंने नोट लिख के वहाँ पे छोड़ा था। हाँ हाँ। तुमने पढ़ा नहीं? नहीं नहीं पढ़ा था मैंने। ठीक है श्रेया, वो वैसे भी बहुत दूर था ऑफिस, मतलब 1.5 घंटे चल के कौन जाता डेली। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वैभव, हमने लाइफ को कभी सीरियसली लोगे या नहीं? यार तुम चिल्ला क्यों रही हो, आराम से चल। क्योंकि तुम जागते हुए भी सोते हो। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें वैभव कि अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में लो, सोते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। एक भी नौकरी मिली है क्या तुम्हें आज तक, जो तुमने नौकरी को रिजेक्ट कर दिया? तुम्हें जाना चाहिए था ना वैभव। श्रेया आराम से रिलैक्स। अरे तू फिक्र क्यों करता है, मैं बात करूंगी ना माया से, और अम्मा की बात का क्या बुरा मानना है। मुझसे क्या बात करेंगी आप, पहले जरा बाहर जाके तो देख लीजिए आपकी लाडली बहू कैसे इज्जत उतार रही है सबके सामने आपके बेटे की। रिलैक्स, रिलैक्स तो तुम कर रहे हो, और कुछ ज्यादा ही रिलैक्स कर रहे हो। लाइफ को इतना भी लाइटली मत लो वैभव, लाइफ कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, मुझे पता है क्या करना है, ज्यादा भड़को मत, मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगा, दिमाग मत खाओ मेरा ज्यादा। श्रेया अंदर आओ। श्रेया ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का, पूरे मोहल्ले के सामने तुम उस पर चिल्ला रही थी। भाभी ने बताया होगा ना, पर क्यों चिल्ला रही थी ये नहीं बताया। आज वैभव का जॉब इंटरव्यू था मम्मी जी, जो वो देने ही नहीं गया, और क्यों? क्योंकि वो सो रहा था। तो इस बात के लिए तुम उसे डांट लगाओगी वो भी सबके सामने? इसके लिए तो आपको भी उसकी डांट लगानी चाहिए, तनी कब अपने पैरों पे खड़ा होगा। सही समय आने पे कर लेगा, मेरा वैभव बहुत काबिल है, और तुम उस पे ज्यादा मुकदमा मत चलाया करो। मान लिया कि वो काबिल है, पर काबिल इंसान को भी खुद ही कदम बढ़ाना पड़ता है, पर आज तक किसी ने उसे दिशा नहीं दिखाई, तो अब सही। तो तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो कि हम उसे कुछ करने नहीं देते?
मैं किसी को दोष नहीं दे रही मम्मी जी, बस यही कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ना, कि आज तक वैभव अपने करियर में वही का वही खड़ा है और ना ही रोहित भैया अपना कोई काम जमा पाए। बस श्रेया, मेरे तक ठीक था, भैया पे कमेंट कर रही हो? मम्मी मम्मी से ऐसे बात करते हैं, बहस कर रही हूँ उनसे मैं तो बस। श्रेया बस चलो अब यहां से, चलो। मम्मी आपके एक बेरोजगार बेटे को तो मैं भी झेल रही हूँ, पर ऐसे तमाशे तो मैंने भी नहीं किए आज तक। ये तो आज डांट रही थी, कल को अगर नौकरी नहीं लगी तो उसे डंडे से भी मारेगी। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं आपकी और डैडी जी की भी ना नौकरी लगवा दे। आपने तो इसे ऐसे ही फेवरेट बहू बना रखा है, ये तो घर में रहने के भी लायक नहीं है। माया ज्यादा कान भरने की जरूरत नहीं है, जय बाबू की पत्नी है, हमारे घर की बहू है, इसी घर में रहेगी। अब क्या होगा माया? क्या होगा, पहले दादी ने सुना दिया, अब मम्मी ने सुना दिया, यही सब चल रहा है यहाँ पर। अरे